वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो, जिसमें हम आ चुके हैं दिल्ली का जो सबसे पुराना और अभी जो ट्रेंडिंग में जो बिल्कुल हॉट स्पॉट है उसमें। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कुतुब मीनार, इसमें आ चुके हैं। आगे चल के आपको दिखाएंगे, तब तक आप अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कर देना बीच में। मतलब हम तो आ चुके हैं, हमारे साथ एक प्रॉब्लम जरूर हुई आज। हमारी जो स्टिक है जिससे हम शूट करते हैं उसको जब्त कर लिया गया दरवाजे पे ही। आर्कियोलॉजिकल सर्वे की इंस्ट्रक्शन है कि जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं दिल्ली में, ये ऐतिहासिक शहर हैं, उसमें नहीं ले जा सकते। तो इसलिए अब हम हाथ से पढ़ के शूट कर रहे हैं, देखते हैं कितना शूट कर पाते हैं, कितनी अच्छी क्वालिटी आ पाती है। जितनी भी आएगी आप तक जरूर पहुँचा पाएंगे। ये बहुत ही अजीब सा रूल है कि सेल्फी स्टिक लेके नहीं जा सकते अंदर। और जो टिकट का प्राइस था यहाँ पर वो 50 रुपये था। नहीं 70 था, मतलब ऐसे 40 है पर पर्सन, लेकिन अगर ऑनलाइन बुक करते हो तो 35 का पड़ेगा आपको। हाँ, तो 35 रुपये टिकट का प्राइस है और ऑफलाइन 40 रुपये। ऑफलाइन 40 रुपये। अब एंट्री होते ही यहाँ पर कुतुब मीनार ही है शुरू में। तो जब आप कुतुब मीनार में एंट्री होंगे तो ऐसे इस साइड से ये पूरा एंट्रेंस है और इसके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है, यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये मध्यकालीन भारत का सबसे पुराना शहर है, प्रथम मुस्लिम शासक का, और इसीलिए इतना फेमस था। और इसके बारे में बहुत सारे फैक्ट्स हैं, ज़्यादा तो नहीं बता पाऊँगा आपको, बट हाँ आप वीडियो में बने रहिए, आपको दिखाते हैं आगे इसकी ब्यूटी। तो ये बात है तराइन के दूसरे युद्ध होने के बाद, और जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई मोहम्मद गौरी के हाथ, और मोहम्मद गौरी जब वापस जाने लगा जहाँ से वो आया था, तो उसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। और ये जो दिल्ली थी उसने अपने सबसे चहेते गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दी, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण शुरुआत करी थी निर्माण की, और जो पहली मंजिल थी उसने बनवा दी थी। अब जो बाकी की दो मंजिलें हैं वो बनवाई थी उसके दामाद ने, इल्तुतमिश ने, जिसका नाम इल्तुतमिश था। ये एंट्रेंस है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का, और इसे भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया था अपने शासनकाल में, और ये भारत की पहली प्राचीन मस्जिदों में से एक है। और इसमें जो आर्किटेक्चर है वो चारों तरफ पिलरों से बना हुआ है, जो पिलर है इन चारों तरफ ये पिलर से बना हुआ है, और ज़्यादातर जो है वो टूट चुका है। अब इसका रिस्टोरेशन का काम भी चल रहा है। यहाँ पे आपको रूम्स दिख रहे होंगे, दीवारों के टूटे हुए रूम्स हैं ये, और हर पिलर पे नक्काशियाँ की गई है। इन पिलर पे ऐसे नक्काशियाँ की हुई हैं, बहुत ही अलग डिज़ाइन प्रदर्शित करती हैं। ये वाली जो मस्जिद है ये बहुत ही अलग मस्जिद है। एक तो ये प्राचीन मस्जिदों में से एक है, और इसका जो डिज़ाइन है बहुत ही अलग है। चारों तरफ इसके पिलर हैं जो देखने को मिलते नहीं हैं, और उन पिलरों में डिज़ाइन बने हुए हैं। अब जो इसका मेन दरवाज़ा था मस्जिद का, वो अब रूम्स में बदल चुका है। ये देखिए, इतनी एक्साइटमेंट में हम आए थे ना सुबह सुबह कि यहाँ के व्लॉग शूट करेंगे, यहाँ का बनाएंगे, सारी एक्साइटमेंट खत्म कर दी गार्डन में, उसमें हम सेल्फी स्टिक लेके। मतलब आपको भी यही सजेशन है, अगर आप कभी भी स्टिक वगैरह लाओ शूट करने के लिए तो ट्राईपॉड मत लाना, ट्राईपॉड जैसा सिंगल स्टिक होगी, या गोप्रो की स्टिक होती है, या Insta360 की होती है, तो वो चल जाएगी। अगर ट्राईपॉड लाओगे तो जब तक वो, और लेके भी आ रहे हो तो फिर छुपा के लाओ अच्छे से, ताकि से दिखे ना, जेब में डाल लो पैंट की, या फिर हमने तो भारी रखी हुई थी तो उसे दिख गई। जो मेरे पीछे अब आप देख रहे हैं कि है लौह स्तंभ, ये जो है ये चौथी शताब्दी में लाया गया था भारत में, और ये यहाँ पर नहीं था, ये गुप्त वंश के काल का है। और जो उसका जो एग्जैक्ट टाइम पीरियड है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड का है, और उनके द्वारा ही शायद बनाया गया था। जो दिल्ली सल्तनत का पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश से था, और उससे पहले जो थे वो अफगान थे, जैसे मोहम्मद गजनवी था, उसके बाद मोहम्मद गौरी था। तो ये उसी गुलाम उनके गुलाम में से ही निकल के उस टाइम का राजा बना था। तो जो अफगान थे उस टाइम पे काफ़ी फैले हुए थे यहाँ पे, उसी से इंस्पायर होके जो अफगानिस्तान में जाम की मीनार है इसको बनाया गया था। और इसको बनाने में बहुत झमेला हुआ था, क्योंकि जिस टाइम पे इसको बिल्ड किया गया था उस टाइम पे सिर्फ कुतुबुद्दीन ऐबक 1198 में इसकी नींव ही रख पाया था। उसकी नींव रखने के बाद इल्तुतमिश जो उसका दामाद हुआ करता था
उसने इसकी तीन मीनारें खड़ी करी, जो आप मीनारें देख पा रहे हैं ये वाली, और जो ये आप मीनारों के चारों साइड ये गोल गोल देख रहे हैं ना, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह एक डिज़ाइन है जो प्योर हिंदू शैली का डिज़ाइन है, सिर्फ पर्टिकुलर यही वाला। और उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आया, तुगलक दूसरे वंश का था, जो गुलाम वंश के बाद आया था, उसके बाद आया था फिरोज शाह तुगलक, उसने इसकी पांचवी पूरी मंजिल का निर्माण करवा के इसको कंप्लीट कर दिया था। अगर मैं बात करूं इसके मतलब ये किस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था उस टाइम पे, तो अफगानिस्तान में ना एक जाम की मीनार है, तो उससे इंस्पायर होकर इसको बनाया गया था, और पर्पज़ इसका यही था कि ये जाम की मीनार थे बेटर दिखे। तो सबसे इंटरेस्टिंग बात एक चीज़ एक और है कि 700 साल से मीनार ऐसी खड़ी हुई है, और हमारे देश में कई सारे फ्लाईओवर बन जाते हैं जो 5-10 साल में गिर जाते हैं। हाँ, उसका यूज़ होता है, बट यूज़ के बिना भी वो बहुत जल्दी गिर जाते हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है भाई, भले उनके पास कम साधन थे, बट वो कम साधन में ही बहुत अच्छी चीज़ डेवलप कर पाते थे उस टाइम पे। ये है अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा, और अलाउद्दीन खिलजी बहुत ही इनफेमस है हिस्ट्री में अपनी आक्रमणकारी नीतियों को लेकर। और जब गुलाम वंश का पतन हो गया, और उसके बाद जब खिलजियों की जीत हुई, तो खिलजियों ने कब इस वाले एरिया पे जो महरौली शहर था इस पे कब्जा हो गया, और तब अलाउद्दीन खिलजी के मरने के बाद उनकी जो मकबरा था वो यहाँ पर बनाया गया। और अलाउद्दीन खिलजी ने इसके अलावा फौज खास एरिया का भी निर्माण कराया, वहाँ जब हम कभी जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो में वहाँ का दिखाएंगे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारे पीछे इमारतें बनी हुई है या मॉन्यूमेंट्स बने हुए हैं, ये पहले ही संरचनाएं थी उनकी, या पहली बिल्डिंगें जो बन रही थी इस्लामिक रूलर्स के द्वारा। तो इसमें बहुत ज़्यादा वो लोग न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर रहे थे, या उन पत्थरों का जो आकर्षक पत्थर होते हैं उसका यूज़ भी नहीं कर रहे थे। ये नॉर्मल पत्थर हैं जो पूरे भारत में पाए जाते थे, पहाड़ों से काट कर ला के उनका यूज़ करा उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा। कहा जाता है जिस टाइम पे यहाँ पे अफगान आए थे, उन्होंने बहुत सारे किले बना रखे थे इस जगह पे, अपनी दिल्ली की जगहों पे। तो जब फर्स्ट टाइम दिल्ली सल्तनत को यहाँ पे मतलब जो प्रथम मुस्लिम शासक था दिल्ली का, उसके विजय के उपलक्ष्य में इसको बनवाया गया था यहाँ पे, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 27 किले हुआ करते थे। क्योंकि जो जितने भी पत्थर आप देख रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे किले देख रहे हैं, तो उस टाइम पे किले हुआ करते थे यहाँ पे, ऑलमोस्ट 27 किले थे अफगानों के टाइम पे। तो अफगानों की मतलब जब इस मीनार को बनवाया गया, तो उनका मकसद यही था इसको बनवाने का, जीत के उपलक्ष्य में इसकी नींव रखना। अभी बहुत तेज धूप हो रही है, सुबह सुबह का टाइम है तो सीधा धूप आ रही है। अब चलते हैं आगे की तरफ। यहाँ ये अच्छे से बैठने के लिए स्पॉट भी बना रखे हैं, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर, उन्हीं के पत्थरों को उन्हीं के पत्थर यूज कर लिए उन्होंने। अब ये जो है, ये है बिल्कुल कुतुब मीनार की दीवारों पे जो इंस्क्रिप्शन लिखे हुए हैं, ये अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, पर्शियन में, या पर्शियन जिसे कहते हैं, पर्शियन लिपि में या अरेबिक लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, और पूरे ऐसे ही पिलर पे लिखे हुए हैं ये। इसके बारे में और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, जितने भी पूरे आंगन में जितने भी आए थे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जितने भी डिज़ाइन किए हुए हैं, ये ऑलमोस्ट 27 हिंदू और जैन वास्तुकला के द्वारा किए गए थे, जिसे बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक ने नष्ट कर दिया था, ताकि वो ऐसा डिज़ाइन कहीं और भी ना कर पाए। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके बारे में। ये जो बना हुआ है, ये है अलाई दरवाज़ा, ये साउदर्न गेट है उस मॉस्क का, कुवतुल मॉस्क का ये साउदर्न गेट है। और इस वाले गेट को जो है ये बनवाया था इल्तुतमिश ने, इल्तुतमिश वही जो दामाद थे कुतुबुद्दीन ऐबक के। दीवारों पर नक्काशियां की कर रखी हैं और झरोके बना रखे हैं। आप सब लोगों के मन में ये ख्याल आता होगा, जितने भी लोग देख रहे हैं या जितने भी लोग हैं, सबके मन में ये ख्याल जरूर आता होगा
की इतनी ऊंची इमारत किस लिए बनाई होगी, इसका उद्देश्य क्या होगा बनाने का? तो इसका जो मेन उद्देश्य था मुस्लिम शासकों द्वारा वो यही था कि मतलब भगवान को अल्लाह को दुआ करना, गुहार लगाना, तो इसलिए उन्होंने इतनी ऊंची इमारत बनाई थी। उस ये ही उनका उद्देश्य था कि वो अपनी आवाज़ खुदा तक पहुंचा सकें, तो उसका पर्पज़ ही यही था। अब जो ये जो इतिहास है मेहरौली शहर का, ये भी बहुत दिलचस्प है। ये जो पहले दिल्ली की जो थी वो राजपूतों के हिस्से में थी, जो तोमर राजपूत थे वो दिल्ली पर राज करते थे, जिसमें पृथ्वीराज चौहान भी एक थे। जब पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई तराइन के दूसरे युद्ध में और मोहम्मद गौरी के हाथों में आ गई दिल्ली, और जो पहले यहाँ पर शहर था उसका नाम हुआ करता था किला राय पिथौरागढ़, तो उसको तोड़ के कुतुबुद्दीन ऐबक ने पूरे शहर को उजाड़ दिया, उसके जितने भी रूम्स थे उन सबको तोड़ के इस मेहरौली शहर को बसाया था। अब जो ये मेहरौली वाला शहर है और ये कुतुब मीनार का पूरा कॉम्प्लेक्स वाला एरिया है वो उस रूम्स पे बनाया, किला राय पिथौरा सिटी के रूम्स पे बना हुआ है। तो इतना ही था यहाँ की वीडियो के बारे में, और इतना ही इतनी ही जानकारी हम दे सकते थे, और अच्छा है, बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए, आप आ सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं, और ऐतिहासिक मध्यकालीन इतिहास भारत के इतिहास में ले जाएगा आपको ये वाली जो जगह है ले जाएगी। तो अब इतना ही है यहाँ के लिए, अब आपसे हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको पता ही है क्या करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें हमारे चैनल को, और हम ऐसी वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे।